परिवार में एक साथ मिलकर चलना जरूरी होता है, क्योंकि परिवार एक तरह का गाड़ी होता है जिसमें कि दोनों पहिए एक समान चलते हैं तभी गाड़ी आगे चलती है। तो इस योजना के तहत हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं, पहली बात है कि लड़कियों की जैसे कॉमन प्रॉब्लम होती है इसलिए हम स्कूल्स में जाएंगे, स्कूल्स में एडोलेसेंट हेल्थ स्कूल एंड कॉलेजेस दोनों कवर करेंगे, उसमें लड़कों को भी लेंगे अलग से, लड़कियों की भी क्लास अलग से लेंगे। लड़कियों के बारे में जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो कि आगे जाके इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसके अलावा जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, एनीमिया है, ताकि उनको अगर हम बचपन से टीन एज से ही ये बीमारियां नहीं होंगी तो हमारी जो लेडीज हैं आगे जाके एक स्वस्थ माँ बनेगी और हमारा भारत भी स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा हम उनको बैलेंस डाइट के बारे में बताएंगे, और जो यंग एज ग्रुप है वो जैसे योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, फिजिकल फिटनेस, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लुक को लेके भी काफी चिंतित रहता है, तो इसके बारे में भी हम उनको सिखाएंगे। इसके अलावा बच्चों में जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, जैसे कभी मार्क्स कम आ गए या कभी कुछ ने कुछ कह दिया, तो सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो इनके बारे में हम सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में भी उनकी काउंसलिंग करेंगे कि क्यों उनको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अगर जो उनके अंदर सबसे बेस्ट है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि दूसरों को, जैसे माँ बाप हमेशा कहते हैं उसका बच्चा अच्छा उसका बच्चा अच्छा, तो ये सब टाइप की काउंसलिंग हम उसमें करेंगे। फिर जो बच्चों में ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम्स होती हैं यंग एज में, जैसे हम लोग देखते हैं हॉस्टल में कितने बच्चे शराब लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, ड्रग का एडिक्शन कैसे प्रिवेंट किया जाए, आजकल लड़कियां भी काफी ड्रग एडिक्शन लेने लगी हैं, तो इसके बारे में हम उनके उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। फिर बच्चों में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है कई बार, तो उसके तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में उनका कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए इसके बारे में भी हम उनको जानकारी देंगे। करियर काउंसलिंग, बच्चे को कौन सी ब्रांच लेना चाहिए, क्या वो ज्यादा जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ झेल सकता है या नहीं झेल सकता है, कोई अगर पेंटर है तो अगर डॉक्टरी का काम करेगा तो नहीं कर पाएगा, अगर एक मछली को हम कहेंगे कि पेड़ पे चढ़ो तो मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, तो इस तरह से उनकी करियर काउंसलिंग के बारे में भी हम ध्यान देंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अगर एक लेडी होती है तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, एक सेल्फ लीडर बन सकती है, तो इसके बारे में भी हम काम करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम छोटे छोटे वीडियोज बनाएंगे और हर प्रांत में हर स्टेट में जैसे पूरा एनएमओ के थ्रू जैसे दो फैकल्टी प्लस चार स्टूडेंट लेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा अपने भी लैंग्वेज में प्लस अपने स्मॉल लेक्चर के थ्रू हम अपना जो एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप है, एडोलेसेंट ग्रुप है बहुत लड़कियां लड़कियां, इनको हम भविष्य में एक सशक्त भारत के रूप में तैयार करना चाहेंगे, और इसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है, और ताकि हमारे जो बच्चे हैं ड्रग के बिना रहें, कोई सुसाइड ना करें, और मदर्स भी हेल्दी रहें, और यंग मदर्स बनने वाली हैं वो आगे जाके हेल्दी मदर्स बने। तो इस एम के साथ हम ये महारानी लक्ष्मीबाई स्वास्थ्य योजना शुरू करना चाहते हैं। धन्यवाद मैम। कुछ कार्यक्रम हुए हैं।